देश के अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए बेहद ही अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन के लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि वे राज्य से उनकी डिमांड का पता करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज और कल में कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए क्लियरेंस भी दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह ही तेलंगाना से झारखंड के लिए एक स्पेशल ट्रेन 1200 मजदूरों के साथ निकली है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के 1993 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद देश में कुल कंफर्म पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 35,043 हो चुकी है। इनमें से 25,007 एक्टिव केस हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,147 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 554 लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे कि देश में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 8,888 हो चुकी है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 25.37% हो गया है। गुरुवार को यह 25.19% था। सरकार कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर राज्यों को छूट दे सकती है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के राज्यों के अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव प्रीति सुदान ने बताया कि सरकार ने कोरोना मामलों की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्ट के हिसाब से जिलों की नई सूची बनाई है। 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। रेड और ऑरेंज जोन में स्वास्थ्य विभाग की टीम का फोकस है। खास तौर पर रेड जोन वाले जिलों में 3 मई के बाद भी सख्ती जारी रहेगी, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जाए। हालांकि ग्रीन जोन में 3 मई के बाद काफी कुछ छूट दी जा सकती है। दुनिया में अब तक कोरोना से 33,31,040 लोग संक्रमित मिले हैं। 2,34,245 लोगों की मौत हुई है और 10,43,245 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ पर 10,95,304 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 63,871 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके साथ ही यहाँ पर 1,55,737 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं इटली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 27,967 पहुँच गया है। रूस में संक्रमित लोग 1,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। स्पेन में 24,543 लोग, तो वहीं फ्रांस में 24,087 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं ब्रिटेन में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। यहां पर 26,771 लोगों की मौत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रूस के प्रधानमंत्री के जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। भारत कोरोना से इस लड़ाई में अपने करीबी मित्र रूस के साथ है। मिशुस्टिन गुरुवार रात कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं ब्राजील की एक अदालत ने राष्ट्रपति बोलसोनारो को 48 घंटे में अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। उनके टेस्ट रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग के साथ एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जज एना ल्यूसिया पेट्री बेटो ने ये आदेश दिया है। बोलसोनारो मार्च में अमेरिका गए थे, इस दौरान पर उनके साथ गए 20 लोग लौटने पर पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद से ही उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की जा रही है। आपको बता दें कि अगर 48 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट नहीं सौंपते हैं तो उन्हें हर दिन 5,000 रेइस करीब 59,000 रुपए का जुर्माना देना होगा।